दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। देखिए, मछली शिकार के लिए अलग अलग तरह से तरीका आजमाया जाता है और बहुत सारा तरीका कामयाब होता है। दोस्तों, एक नया तरीका बताऊंगा जिससे मछलियों का शिकार करेंगे। अभी सर्दी का मौसम ख़त्म हो रहा है, ऐसे मौसम में अगर चाहते हैं कि मछली का ग्राउंड बेट ऐसा हो जिससे बहुत ज़्यादा मछली इकट्ठा हो जाए, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? आप पहले वीडियो में यहाँ देखिए, यहाँ रेवा मछली घूम रही है। देखिए, ये है रेवा मछली। तो इस तरीके की मछलियाँ जो हैं, इनको एक जगह इकट्ठा करके शिकार करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वही इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। देखिए क्या इस्तेमाल करेंगे। पहले आप मछलियों को देख लीजिए, देखिए किस तरह से कितना सारी मछलियाँ यहाँ पे घूम रही हैं। तो देखिए दोस्तों, किस वजह से यहाँ पे मछलियाँ इकट्ठा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस लोकेशन को पहले देखिए, ये आदमी का चलने वाला रास्ता है और वहाँ जो बोट लगाया हुआ है वहाँ से पशु जो जानवर होते हैं चरने के लिए इधर जाते हैं, पार होकर के इस साइड में इधर जाते हैं। तो क्या होता है, जब पानी के अंदर वो तैरते होते हैं तो अपना जो है गोबर जो होता है कभी कभी पानी के अंदर छोड़ देते हैं, जिसके वजह से यहाँ मछलियाँ इकट्ठा हैं। तो दोस्तों, एक नया तरीका ये है कि अगर मछली का शिकार करना चाहते हैं तो बहुत सारा गोबर ताज़ा हो, यानी कि 2-4 दिन का बासी हो या 5-6 महीना का बासी हो, जहाँ आप शिकार करना चाहते हैं उस जगह पर डाल दीजिए। डालने के बाद से वो ग्राउंड बेट का काम करेगा, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा हो जाएंगी, फिर आप फिशिंग बेट डाल करके मछलियों का शिकार कर सकते हैं। ये नेचुरल तरीका है दोस्तों, इसमें कोई कॉस्ट कोई खर्च नहीं है। और देखिए यहाँ पे किस तरह से मछलियाँ यहाँ घूम रही हैं इसी वजह से। तो जब भी सर्दी का मौसम ख़त्म हो रहा है, पानी साफ़ होता है, तो आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। पानी के अंदर, जैसे ये किनारे वाला हिस्सा है तो उधर थोड़ा दूर आप डालेंगे, दूर फेंक देंगे, और फिर आप फिशिंग हुक का इस्तेमाल करके मछली का शिकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीका को आजमाइए, हमने आजमाया है, बहुत कामयाब तरीका है। अगर आपको शिकार मिलता है दोस्तों, तो वापस आकर के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपको शिकार मिलता है तो। दोस्तों, ये बेहतर तरीका है, बिना खर्च का आप इसका ग्राउंड बेट बनाएंगे गोबर का, लेकिन इसके लिए मछली का चारा जो इस्तेमाल करेंगे वो अलग होता है। इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको देखिएगा। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।